बिहार को अगले एक महीने के अंदर एक नए ब्रिज का सौगात मिलने जा रहा है। शादी भी नहीं हो पाता था आदमी का, वही पार्टी शादी हो जाता था, यही पार्टी शादी बाइक से आदमी जाकर ले जाता था दूल्हा को, उस बाइक में भी जान रखता था उससे, कुआना वाला पुल से। ये पुल से तो बहुत फायदा है कि बहुत बड़ी सौगात है फुलपुर वासियों के लिए, और खासकर और आसपास के भी आदमी को भी परेशानी होता था आने जाने में। पटना से आरा को जोड़ने के लिए जो कोइलवर में 6 लेन ब्रिज बन रहा था सोन नदी के ऊपर, उसका काम अंतिम चरण में है। और पिछली बार जब हम आए थे तो आपको बताया था कि जो आखिरी पिलर्स हैं इसको जुड़ना बाकी था उस समय में, लेकिन आज जब हम आए हैं ये पिलर पूरी तरह से यहाँ से वहाँ सुपर स्ट्रक्चर जुड़ गया है, और अब अगर काम बचा है तो इस अप्रोच रोड को इससे जुड़ना बाकी है, और इसके अलावा अब इस ब्रिज पर ब्लैक टॉप यानी फिनिशिंग का काम होना बाकी है। आपको बता दें कि इसका 1 लेन ऑफ स्ट्रीम का इनोग्रेशन पिछले साल हो गया था, 2020 से इस पर गाड़ियां दौड़ रही है, लेकिन इसके बगल में जो पुराना कोइलवर ब्रिज है लगभग 155 साल पुरानी है, उस पर से नीचे से गाड़ियां तो ऊपर से ट्रेन चलती थी, जिसके कारण लंबा लंबा जाम लगता था, यहाँ लोग घंटों यहाँ फंसे रहते थे। लेकिन जब कोइलवर के इस ब्रिज का इनोग्रेशन हुआ तो लोगों को ऐसा उम्मीद जगा कि आने वाले समय में आरा के लोगों को जाम से निजात मिल जाएगा, लेकिन ये भी नाकाफी साबित हुआ क्योंकि इसके 1 लेन पर ही गाड़ियां शुरू हो पाई थी, इसका अप स्ट्रीम ही शुरू हुआ था। ऐसे में इसके दूसरे तरफ का लेन को बन जाने से अब जो है आपको अगर पटना से आरा या बक्सर जाना हो तो ऐसे में जाम से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगा। बिहार को अगले एक महीने के अंदर एक नए ब्रिज का सौगात मिलने जा रहा है, ये हम बता रहे हैं आपको। काम क्या बचा है आपको दिखाना चाहेंगे। इधर से अप्रोच रोड का काम बाकी था जो देखिए यहाँ तक पूरा हो गया है, और अब ये काम सिर्फ लगभग 25 या 40 मीटर है अप्रोच रोड को बनना इधर में, और वहीं दूसरे तरफ से अप्रोच रोड का काम जो पटना की तरफ से होते हुए आ रहा था वहाँ एक अंडर पास के ऊपर से इसको गुजरना है, तो उधर से भी 4 लेन रोड बनता हुआ आ रहा है और ये अब कनेक्ट हो जाएगा। उम्मीद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने का काम इसमें बचा है, और जब ये पूरा होगा तो बिहार को एक और बेहतर पुल की सौगात मिलेगा, खासकर भोजपुर और बक्सर के लोगों को पटना से जो जाने आने में दिक्कत होती थी उससे मुक्ति मिल जाएगा। चलेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे उधर से भी कि कितना काम हुआ और कैसा लगता है। चूँकि बारिश हो रही है जब हम पहुँचे हैं तो ड्रोन नहीं उड़ेगा, लेकिन जो कैमरा सामने है ये बारिश में भी तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकता है, इसलिए इसी कैमरे के जरिए आपको दिखाएंगे कि कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है। देखिए ये लोग जो है SP सिंगला के लोग हैं जिन्होंने कोइलवर ब्रिज को बनाया है, और आज विश्वकर्मा पूजा का दिन था, हम पहुंचे तो उधर धूप था, लेकिन जब यहाँ आए तो इंद्रदेव मेहरबान हो गए, बारिश होने लगी, लेकिन इस बारिश में भी पूजा है, रुकता नहीं है, पूजा इधर में हो रहा है, ये लोग पूजा करवा रहे हैं। तो देखिए कोइलवर ब्रिज का अपडेट लेने के लिए हम आए थे, इसके अपस्ट्रीम का उद्घाटन उधर में हो गया था, और देखिए उधर से पुराना वाला जो कोइलवर पुल है ऐतिहासिक अपना जो 150 साल पुराना है उस पर से गाड़ियां अभी गाड़ी दौड़ रही है, ऊपर से ट्रेन जा रही है, उसी के बगल में ये 6 लेन का रोड ब्रिज बना है। पहले वाला जो ब्रिज है ऊपर से ट्रेन गाड़ी जाती है, नीचे से रोड था उस पर, जिस पर लंबा लंबा जाम लगता था क्योंकि 150 साल पुरानी सड़क समझ रहे होंगे आप, उस समय की आवश्यकता के हिसाब से उसको बनाया गया था, और आज भी उस पर से गाड़ी चलती है। उसी के रिप्लेसमेंट के लिए इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था, इसके 3 लेन का काम पहले पूरा हो चुका, दूसरा 3 लेन जो है इधर में डाउन स्ट्रीम उसका काम अब फाइनल स्टेज में जो हम पहुंचे हैं, जहाँ ये देखिए यहाँ से वहाँ तक ये पूरा ब्रिज बन करके तैयार हो गया है। इसका अप्रोच रोड का काम थोड़ा सा बचा हुआ है जो लगे 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर कुछ बचेगा इसमें इस पर ब्लैक टॉप होना या कहिए तो इसका फिनिशिंग का काम बचा हुआ, कितना दिन लगेगा आप लोगों का काम होने में? हम लोगों का काम फाइनल है। दो महीना लगेगा। तो सुपर स्ट्रक्चर का काम पूरा कंप्लीट है? कंप्लीट है, बस सिर्फ पिच करना है इधर का, और उसके बाद वो आपका मिट्टीकरण का काम जो है अप्रोच रोड का, हाँ अप्रोच का वही बाकी है, अप्रोच में थोड़ा सा काम बाकी है और ये पिचिंग का काम बाकी है, बाकी स्ट्रक्चर का पूरा ये ब्रिज का पूरा काम कंप्लीट है, पिच करने में 15 से 1 महीना है, 15 से 1 महीना में बन जाएगा, समझ लीजिए 15 से 1 महीने में आपको एक और ब्रिज की सौगात मिल जाएगा। बिहार मुस्कुराइए ना भाई।
तो विश्वकर्मा पूजा है आज, देखिए इधर में विश्वकर्मा पूजा हो रहा था। और ये वो लोग हैं जिनके लिए थम्स अप बनता है, इन लोगों ने एक बेहतर ब्रिज का बना करके दिया है बिहार वासियों को, जिस पर देखिए इसके दूसरे लेन पर भी गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। तो चलिए, एक उम्मीदों का एक और सेतु बन करके तैयार है, इस पर हम ही राइड लेंगे, हम आपको चलकर दिखाएंगे। लेकिन कंक्रीट अभी इस पर ब्लैक टॉप हुआ नहीं है, तो स्मूथ जर्नी का एहसास तो नहीं होगा, गाड़ी इस पर चलकर चली जाएगी। तो चलिए, देखा आपने कोइलवर का एक और ब्रिज बनकर के तैयार है, बिहार को एक और सौगात मिलने वाला है। मुस्कुराइए ना, इसी तरह के कई सौगात इस साल मिलेंगे आपको। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं, यहाँ के अलावा हम आपको Instagram पर भी मिलते हैं। और जो लोग हमें Facebook पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें, YouTube पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का और वीडियो आप लगातार देख पाएँ। और यहाँ के अलावा Instagram और Twitter पर भी हम मिलते हैं, लंबी बातों के लिए आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।